हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम एक मास्टरपीस कह सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो इमोशंस से कनेक्ट करती है, जो कि एक अनकंडीशनल लव की बात करती है। ये मूवी है एक बहुत ही फाइनेस्ट डायरेक्टर की मूवी, जिसका नाम है अनुराग बासु। तुम्हें नहीं पता है तो, पर अगर तुमने लूडो देखी है तो हाँ, सेम डायरेक्टर। तो देखो, इस मूवी को बहुत लोगों ने देख रखा है और शायद से ये हाइप में भी रहती है, बट मैंने इस मूवी को बहुत लेट डिस्कवर करा, तो ये मेरे हिसाब से रिव्यू है जो मेरे को फीलिंग्स लगी या मैंने जो फील किया इस मूवी के रिलेटेड। ठीक है, तो मूवी के रिव्यू में जाने से पहले मैं तुम्हें मूवी का नाम बताना चाहूँगा। मूवी का नाम है बर्फी। यस, बर्फी। हाँ, तो देखो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमें मूवी इंट्रोडक्शन मिलता है तो इतनी अच्छी खूबसूरत जगहें हैं ना, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाता है लोकेशन देख के। और फिर हमें दिखाया जाता है स्टॉकर बर्फी, उसका बैकग्राउंड दिया जाता है ऑब्वियसली कि उसका नाम बर्फी कैसे पड़ा, जो कि थोड़ा फन वाइब को अपने साथ लेके चलता है शुरुआत में मूवी की, जो कि अच्छा लगता है देखने में। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैंक रॉबर और किडनैपर एक साथ बर्फी कैसे बना, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है फिर हमें धीरे धीरे, और फिर जो असली पत्ते हैं मूवी के वो खोले जाते हैं। और मूवी में मैं अभी कहना चाहूँगा, मैंने जितना भी प्रियंका की मूवीज को देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा देखी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कुछ कुछ पुरानी मूवीज देख रखी है मैंने। देखो डॉन भी नहीं देखी है, डॉन फ्रेंचाइजी सॉरी टू से, बट नहीं देखी मैंने प्रियंका को, बट इसमें फाइनेस्ट काम लगा जो मैंने आज तक देखा है प्रियंका को। लिटरली वो बिल्कुल ऐसा जस्टिफाई कर देती हैं कि वो रोल बना ही प्रियंका के लिए था, वो सच में चैलेंज हैं ऐसा लगता है। चैलेंज तो हम लोग हैं जो हम एड्रेस नहीं कर पाते चीज़ें। तो मैं कहना चाहूँगा प्रियंका एस झिलमिल इज फेबुलस लिटरली। और भाई कुछ कुछ शॉट्स तो देखो फन वाइब में बनाई गई है, तो चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड भी है, तो उसमें कुछ कुछ शॉट ऐसे हैं कि वो चलते चलते ही सीढ़ी पे चल जाता है। ऑब्वियसली फनी टोन को फॉलो करती है वो उस गाने के बीच में मूवी, बट वो लगता है कि भाई इतनी स्ट्रेंथ कैसे आई बर्फी में। और मूवी में सबसे ज़्यादा जो एसेंस है मूवी का वो है इसके गाने। सारे गाने एक से एक बढ़ के बिल्कुल कनेक्ट करा जाते हैं तुम्हें स्टोरी को दिल से, जो कि बहुत ज़्यादा फील करते हो तुम मूवी को देखने के बाद, एक घंटे बाद, एक साल बाद, एक दिन बाद, अगर तुम कभी भी रिटर्न करते हो उस मूवी पैलेट में, गानों के पास जाते हो या कहीं पे भी उसकी क्लिप्स देखते हो, तो एक स्माइल होती है ना वो आ जाती है। और मूवी में हमें स्टोरी दिखाई जाती है तीन कैरेक्टर्स की, कैसे लव ट्रायंगल बना हुआ है, और जब वो लव ट्रायंगल टूटता है, मतलब उसके लिए ज़िंदगी जो उसने जी या जो उसने प्यार के पहले कदम रखे वो ही डगमगा गए, तो फील कर सकते हो ना कि उसने अपनी तरफ से बिल्कुल प्योर प्यार किया, बट उसको रिटर्न में वो नहीं मिला, उसको रिटर्न में मिला एक झूठ, जो कि उसको एक टूटा सा पुतला बना के चले गया, बट उस टूटे पुतले को जोड़ा एक और पुतले ने जो कि दिल से बहुत प्योर था, जिसका नाम था झिलमिल। हाँ, और मूवी में जो बर्फी प्यार करता है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया, क्योंकि साला मैं जब भी प्यार करता हूँ ना तो रुलाने की आखिर तक भी नहीं सोच सकता। हाँ, आंसू आ जाते हैं कभी कभार खुद में जैसे, हाँ तो रो लेता है इंसान, बट सामने वाले को रुलाने की नहीं सोचता, क्योंकि वही तो प्यार है। और मूवी जो है वो प्रेजेंट पास्ट में जंप करती रहती है, तो जो चेंजेस है ना वो सटल है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कब मूवी अपने मूवी स्टोरीज को लेके प्रेजेंट टू पास्ट आ रही है, और वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि डिफरेंस आ गया स्टोरी में, तो तुम्हें एक क्यूरियोसिटी होती है, एक थ्रिलर जैसी मूवी लगती है कि अब क्या, वो जो इंटरेस्ट है वो जगाए रखती है तुम्हारी मूवी को देखने के लिए। और मूवी को चार्ली चैपलिन स्टाइल में बनाया गया है, ताकि वो जो दो पल की खुशी है जो चार्ली चैपलिन जिंदगी भर तक देते रहे लोगों को, वो मूवी के थ्रू रिलीव कर पाए लोग एक नए सिनेमा में। और मूवी उन सबके मुंह पे चाटा है जो कहते हैं लव इक्वल्स टू लस्ट। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ठीक है, ये मूवी उस एक प्योर फीलिंग के बारे में जो कि बहुत ही अलग है, लस्ट से तो बहुत ही दूर दूर तक नाता नहीं है, वो बाद में फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है वो अलग चीज़ है, बट जो लव है वो अनकंडीशनल होता है, और अनकंडीशनल मतलब अनकंडीशनल, बॉडी को देख के नहीं होता। और मूवी जो मेरे को समझ आई पूरी मूवी देख के, कि प्यार वो नहीं है कि दो परफेक्ट लोग मिलें और एक साथ रहने लग जाएं, एक दूसरे को पसंद करें, प्यार वो है जब हम एक दूसरे के इम्परफेक्शंस को अपना लें और एक साथ चलें, क्योंकि तुम सामने वाले से प्यार करते हो और वो अब तुम्हारी ज़िंदगी का अटूट बंधन है जो तुम तोड़ नहीं सकते, और ये जो बंधन है ना तुम पे फोर्सफुली है ना उस पे फोर्सफुली है, ये एक चीज़ है जो है, बस इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ हाँ, तो बर्फी मूवी मुझे ऐसे ही सॉफ्ट स्पोकन बट हाँ जो स्लोली दिमाग में बैठती है वो चीज़ लगी, तो हाँ तुम मूवी को देख सकते हो
तो हाँ, इस मूवी में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जो तुम्हें खुद विटनेस करनी चाहिए। मतलब शायद से बहुत कम बनती हैं ऐसी मूवीज़, जैसे कि मैंने इससे पहले देखी थी सीताराम, उसमें आता है कि भाई इमोशंस, शेरशाह, इन सब में जो है ना लव स्टोरी को लव स्टोरी जैसे दिखाया जाता है, लस्ट दूर दूर तक नहीं, क्योंकि होता ही नहीं। जब प्यार होता है तब शुरुआत में तो लस्ट नहीं होता है, और सबका पता नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं, वो अलग बात है कि कुछ हुआ ही नहीं कभी। तब तक के लिए मिलता हूँ तुम्हें अगली रिव्यू में एक नई मूवी या पुरानी मूवी के रिव्यू के साथ। तो हाँ, अगर तुमने नहीं देखी बर्फी क्या है तो तुम्हें एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, तुम्हें ज़रूर अच्छी लगेगी अगर तुम कभी भी कुछ फील कर पाए हो तो लव के बारे में, या तुम्हें थोड़ा भी एक अनकंडीशनल लव जो होता है वो देखना है तो स्क्रीन्स पे देखो बर्फी। यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, और नहीं यूट्यूब पे देखना चाहते तो तुम्हें हर जगह मिल जाएगी, तुम्हें पता कहाँ देंगे। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी दुरुस्त रहना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियोज अच्छी लगे तो। बाय बाय।